कॉफी विद करण 8 का हालिया एपिसोड भव्यता और आकर्षण से भरपूर था, जिसका श्रेय आनंददायक मेहमानों जीनत अमान और नीतू कपूर को जाता है। दिग्गज सितारों ने व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों तरह के किस्से साझा किए, जिससे मेजबान करण जौहर का पूरा ध्यान आकर्षित हुआ। हंसीम जाक और सौहार्द के बीच नीतू कपूर ने अपनी पोती राहा प्रतिष्ठित जोड़ी रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की बेटी के साथ अपने विशेष बंधन के बारे में बात की। बातचीत के बीच में नीतू कपूर ने मजाकिया अंदाज में एक प्यारी छोटी लड़ाई का खुलासा किया, जिसमें वह राहा की नानी सोनी राजदान और आलिया भट्ट के साथ शामिल है। उन्होंने बताया, मेरे घर पर बच्चा बढ़ रहा है, मैं मदद को निर्देश देती रहती हूँ कि उसे पापा कहने के लिए कहें, लेकिन सोनी उसे मम्मा कहने के लिए कहती है। करण जौहर ने अपनी ट्रेडमार्क बुद्धि के साथ हस्तक्षेप करते हुए कहा, आप यह छोटी लड़ाई लड़ रहे हैं। मनोरंजक बातचीत में आगे बढ़ते हुए नीतू कपूर ने बताया, तो मैं दूसरे दिन घर गई और आलिया ने कहा, ओह वैसे उसने मम्मा कहा, तो मैंने कहा, उसने मम्मा नहीं कहा बल्कि उसने मम्मी मम्मी कहा, इसलिए इतना खुश मत होइए। हास्य का पुट जोड़ते हुए नीतू कपूर ने उल्लेख किया कि राहा अब अपनी संतुष्टि के लिए नाना के बजाय दादा कह रही थी। अपनी पोती के बारे में स्नेहपूर्वक बोलते हुए नीतू कपूर ने राहा को बड़ा होते देखकर अपनी खुशी व्यक्त की। उन्होंने साझा किया, मुझे लगता है कि यह नाम उन पर बिल्कुल फिट बैठता है। जब मैं उन्हें देखती हूँ तो मुझे बहुत राहत महसूस होती है। उनका चेहरा बहुत सुंदर, प्यारा और प्रसन्न है। दिलचस्प बात यह है कि राहा का नाम खुद नीतू कपूर ने चुना था। आलिया भट्ट ने एक पोस्ट में अपनी बेटी का नाम दुनिया के सामने अनाउंस करते हुए इस बात का खुलासा किया था। आलिया ने लिखा, राहा नाम उनकी बुद्धिमान और अद्भुत दादी द्वारा चुना गया के बहुत सारे सुंदर अर्थ हैं। राह अपने शुद्धतम रूप में दिव्य मार्ग का मतलब है। स्वाहिली में वह जॉय है। संस्कृत में राह एक गोत्र है। बांग्ला में आराम, आराम राहत। अरबी में शांति का अर्थ खुशी, स्वतंत्रता और आनंद भी है। और उसके नाम के अनुरूप पहले क्षण से ही हमने उसे पकड़ लिया, हमें यह सब महसूस हुआ। हमारे परिवार को जीवन में लाने के लिए धन्यवाद राहा, ऐसा लगता है जैसे हमारा जीवन अभी शुरू ही हुआ है। उसी साल अप्रैल में अपनी शादी के बाद आलिया भट्ट और नीतू कपूर ने नवंबर 2022 में राह कपूर का अपने जीवन में खुशी से स्वागत किया। बॉलीवुड के ऐसे दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।